Hello everyone, today we discuss about the flow of fluid from the pharmaceutical engineering subject for the degree second year student as per the PCI syllabus. आज हम flow of fluid के बारे में discuss करेंगे और इस chapter को मैंने दो तीन parts में divide किया है जो कि important points है for exam point of view और GPAT point of view. तो इस part में हम सिर्फ discuss करेंगे about the manometers. So let's discuss about the flow of fluid. In this chapter, first point, types of manometers, the Reynolds numbers and its significance, then Bernoulli's theorem and its application, energy loss by using the Bernoulli's theorem, and the last point, orifice meter, venturi meter, pitot tube and rotometer. So in this video we discuss the types of manometer. इस वीडियो में हम types of manometers के बारे में discuss करेंगे. तो discuss करने से पहले ये chapter क्यों हमें पढ़ना है, ये ज़रूरी है. सी देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनके रिजर्व टैंक्स रहते हैं. तो उस टैंक में से फिलिंग तक जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इस चैप्टर के जो भी कैलकुलेशंस है वो यूज़ में आते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हाइट पे आपका टैंक है, वहाँ से लेकर फिलिंग एरिया तक कितना प्रेशर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना डायमीटर रहेगा पाइप्स का, ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो इस आधार पे हम करते हैं. तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमें सिर्फ ये फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके. लेकिन ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए व्हाइल वी वर्किंग ड्यूरिंग इंडस्ट्री. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ फ्लूड्स. बिफोर डिस्कसिंग फ्लो ऑफ फ्लूड्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी फर्स्टली डिस्कस. Pressure is equal to force divided by area. Then what do we have? Force is pressure into area. Density, it is mass upon volume. Then volume is height into area. Then delta P, pressure difference. Then delta H means height difference. तो सबसे पहले हम फ्लूड की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. व्हाट डू मीन बाय फ्लूड? फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स अंडर ए अप्लाइड शेयर स्ट्रेस. मतलब कुछ प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो चीज़ फ्लो होती है उसे हम कहेंगे फ्लूड्स. तो फ्लूड में हम दो टर्म्स कवर करते हैं, लिक्विड और गैसेस. देखो, सॉलिड तो फ्लो होता नहीं है, तो लिक्विड और गैस ऐसे जो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होते हैं. तो फ्लूड और फ्लो की हम डेफिनेशन अभी देखेंगे. Fluid flow may be defined as the flow of substance that do not permanently resist distortion. मतलब जिस फ्लो में वो फ्लो हो रहा है फ्लूड, वो उसी फ्लो में उसी शेप में वो फ्लो होगा. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. तो फ्लूड और फ्लो में दो टाइप्स आते हैं, ओके. फर्स्ट टाइप इज फ्लूड स्टैटिक्स दैट डील्स विद द फ्लूड्स एट द रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, एंड द फ्लूड डायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूड इन अ मोशंस. तो सबसे पहले हम फ्लूड स्टैटिक्स क्या है, उसमें कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फ्लूड डायनामिक्स. अभी हम फ्लूड स्टैटिक्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे. व्हाट डू मीन फ्लूड स्टैटिक्स? फ्लूड्स एट द रेस्ट इन इक्विलिब्रियम. तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक वाटर टैंक लिया है, उस वाटर टैंक में दो होल इंसर्ट किए हैं. एट द बॉटम उसे कहेंगे पॉइंट वन और एट द टॉप उसे कहेंगे पॉइंट टू. तो ज़्यादा फ्लो कहाँ पे आने वाला है? एट पॉइंट वन, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है. तो इस डायग्राम में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फ्लूड एट द रेस्ट, और उस पर प्रेशर डिफरेंस क्या है एट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड. तो ये दो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है, तो इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है. तो अभी इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. सिम एट पॉइंट वन प्रेशर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सरफेस एरिया, तो उसे हम कहेंगे पास्कल, जो कि यूनिट है प्रेशर का. और दूसरा फैक्टर क्या है? हाइट, उसको कहेंगे एच वन. मतलब प्रेशर ऑन द सरफेस एरिया एंड हाइट, ये दो फैक्टर से क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर डेवलप हो रहा है एट पॉइंट वन. और एट पॉइंट टू, जो एट पॉइंट टू में दो साइड से प्रेशर डेवलप होता है. एक तो हमने जो ए ऑब्जर्व करे वो क्या है, अप्लाइड प्रेशर है,
उसको पास के लिए कहेंगे, ये क्या है अप्लाइड प्रेशर। और सेकंड फैक्टर क्या आएगा, एच टू मतलब हाइट टू जो कि बिलो द पॉइंट वन। तो हमें कैलकुलेशन करना है कि दोनों पॉइंट पे किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। अभी हमें डिस्कस करना है कि पॉइंट वन पे किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, सेम डायग्राम ही हमें ऑब्जर्व करनी है। मैंने ये डायग्राम हर एक स्लाइड पे ऐड की है क्योंकि ये समझने के लिए आपको एक ही बार ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। लेट सी द फोर्स एक्टिंग बिलो एंड अबो द पॉइंट वन, हम इसे इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट पॉइंट वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन द सरफेस प्लस द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड अबो पॉइंट वन। इसका मतलब क्या है, जो भी पॉइंट वन आपको डायग्राम में दिख रहा है ओके, उसके ऊपर जो भी लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर जो पी एस साइन है मतलब प्रेशर है, वो प्रेशर किसकी वजह से, ड्यू टू द सरफेस एरिया। और ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, जो भी लिक्विड है अब वो पॉइंट वन, उसको उस लिक्विड को कुछ वेट रहेगा, कुछ मास रहेगा, तो उस मास की वजह से क्या होता है वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। तो ये इक्वेशन वन हम अगेन मॉडिफाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फोर्स विद प्रेशर इनटू एरिया। तो जहाँ जहाँ भी फोर्स हमने लिखा है वहाँ पे हमें प्रेशर इनटू एरिया लिखना है। सी प्रेशर एट पॉइंट वन इनटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सरफेस इनटू एरिया प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। सी हमने मास क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पे उस वाटर लेयर जो है अबव पॉइंट वन उसे कुछ ना कुछ डेंसिटी है, इसकी वजह हमने क्या लिखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन टू अगेन पी वन एस मतलब प्रेशर एट पॉइंट वन इंटू एरिया, पी टू एस मीन्स द प्रेशर ऑन द सरफेस इंटू एरिया प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सी मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इट इज फार्मूला, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। नाउ अगेन वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन पी टू एस प्लस हाइट इंटू एरिया। सी वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइट इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इंटू द सिम्बॉल्स पी वन एस इज इक्वल टू पी टू एस प्लस एच वन मीन्स हाइट इंटू एस मीन्स एरिया इंटू रो मीन्स इट्स अ सिम्बॉल ऑफ डेंसिटी एन इंटू जे मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अब हम जो इक्वेशन थ्री है, इस इक्वेशन थ्री में जो कॉमन टर्म्स है मीन्स द सर्फेस एरिया, उसे हम कट करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिक रूल्स। तो इक्वेशन किस तरह से आएगा, पी वन इज इक्वल टू पी एस प्लस एच वन रो इंटू जी। नाउ वी डिस्कस द प्रेशर एक्ट ऑन द पॉइंट टू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट टू मे बी रिटन एज, जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था सेम इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। नाउ इट इज पी टू मीन्स द प्रेशर एट पॉइंट टू इज इक्वल टू पी एस द सरफेस एरिया प्लस एच टू इंटू रो इंटू जी मीन्स ग्रेविटी। अब हमने एच टू यहाँ पे क्यों लिया है, उसकी रीज़न क्या है। सी डायग्राम को फिर से ऑब्जर्व करना है, पॉइंट टू को ऑब्जर्व करना है एंड पॉइंट वन के बिलो, पॉइंट वन के बिलो जो भी लेयर्स है जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से हाइट आती है एच टू, मतलब उस हाइट से क्या आ रहा है वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। सो इसलिए हमने एच टू लिया है। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्रेशर। अभी हमें प्रेशर क्या है, डिफरेंस क्या है, पॉइंट वन और पॉइंट टू में डिफरेंस क्या आता है वो निकालना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। सो वील पी टू माइनस पी वन हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो पी वन का इक्वेशंस था और पी टू का इक्वेशन हम उसमें माइनस करेंगे। सी जी ग्रेविटी इंटू टू टू ब्रैकेट टू पी एस प्लस एच टू इंटू रो माइनस पी एस प्लस एच वन इंटू रो ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय द जी। नाउ इसमें जी मतलब ग्रेविटी ये कॉमन फैक्टर है और ग्रेविटी एक कॉन्स्टेंट रहती, तो हम इसको इस इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा पी मीन्स पी एस डिफरेंस इज इक्वल टू पी एस
प्लस एच टू रो माइनस पी एस माइनस एच वन इंटू रो ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय द जी मीन्स ग्रेविटी। अब इस इक्वेशन में जो कॉमन टर्म्स आती है उसे हम कट करेंगे, ओके, देन अगेन वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन इंटू रो इंटू जी। तो एच टू माइनस एच वन क्या है, हम जब उसको माइनस करेंगे वो क्या आएगा, हाइट डिफरेंस आएगा। सो अगेन वी कैन मॉडिफाई आवर इक्वेशन, डेल्टा पी इज इक्वल डेल्टा एच इंटू रो इंटू जी। यह है फाइनल इक्वेशन, इससे हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पुटअप करता हूँ, इसे एग्जाम में लिखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेशर डिफरेंस हाउ यू कैन कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल 5 क्या है, इट इज़ अ हाइट डिफरेंस इंटू 2 मतलब डेंसिटी इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है ग्रेविटी। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, इट्स 98। तो ये आता है आंसर कि प्रेशर डिफरेंस कितना है एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेट द डिफरेंस प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। नाउ वी डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, दैट्स मैनोमीटर्स। सो दिस मैनोमीटर्स आर द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए ही मैनोमीटर यूज करते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स वी यूज। फर्स्ट वन इज सिंपल मैनोमीटर, सेकंड वन डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड लास्ट वन इज इंक्लाइन मैनोमीटर्स। तो हम सिर्फ दो ही मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल एंड डिफरेंशियल। इंक्लाइन मैनोमीटर्स अभी यूज होता ही नहीं, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल मैनोमीटर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल मैनोमीटर, इट इज़ वन ऑफ द यूट्यूब शेप ग्लास मैनोमीटर्स, जिसमें हमने दो लिक्विड यूज़ की है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और इसको दो आर्म से, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड ए को उसमें ऐड करेंगे जिसकी डेंसिटी है रो ए, और बाद में क्या करेंगे लिक्विड बी दोनों रो में से ऐड करेंगे, उसकी डेंसिटी है रो बी। अब हम क्या करेंगे, जो P1 P2 आपको दिख रहा है वो क्या है, प्रेशर। तो हम दोनों आर्म में से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड ए का जो एक मिनिस्कस है वो ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो एक मिनिस्कस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर कहाँ कहाँ पर अप्लाइड होता है और वो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 है वो है लिक्विड ए के, और एम प्लस आर वो क्या है, हाइट है। तो हाइट और प्रेशर इन पॉइंट पे किस तरह से एक्ट करता है वो हम इस डायग्राम में से डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे द डिफरेंस। नाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बाय यूजिंग द मैनोमीटर। जो हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन कैलकुलेट किया था, दैट्स डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू रो इंटू जी, वही इक्वेशन आप यूज करेंगे टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। द प्रेशर एट पॉइंट 2 कैन बी रिटन एज, देखो जब भी मैं इक्वेशंस बताऊंगा तो डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है साइड बाय साइड। तो इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो वहाँ पे कहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, सी द राइट आर्म ऑफ दिस मैनोमीटर, दैट्स P1। तो P1 से क्या रहा, प्रेशर डेवलप होता है वो एक फैक्टर आएगा। तो हम इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, P1 प्लस एम प्लस आर इंटू रो बी इंटू जी। P1 क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ से P1 से क्या रहा है, प्रेशर डेवलप होता है, ओके, प्रेशर हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एम प्लस आर मतलब हाइट, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे एम प्लस आर उस हाइट से वो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ओके। एंड रो बी मीन्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है एंड इंटू जी। एम प्लस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उस हाइट से वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। सिंस द पॉइंट्स 2 and 3 आर एट द सेम हाइट, तो 2 और 3 ये सेम हाइट पे, तो इक्वेशन सेम इक्वेशन वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो प्रेशर एट 3 P1 प्लस एम प्लस आर
density of liquid B, that's rho B into G. Now the pressure at 4 can be written as, तो पॉइंट फोर का अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उस पॉइंट फोर पे दो साइड से प्रेशर डेवलप होते हैं, पी वन से भी होता है और पी टू से भी होता है. सो लेट डिस्कस. पी टू मीन्स फ्रॉम द पॉइंट फाइव, पॉइंट फोर पे प्रेशर डेवलप होता है. किस तरह से उस हम कैलकुलेशन में किस तरह से लिखेंगे, पी टू प्लस जी इंटू एम मीन्स हाइट, एम हाइट, देन इंटू रो बी मीन्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी. अब डायग्राम को ऑब्जर्व करना है. देखो एम क्या है, हाइट है, उस हाइट से वो प्रेशर डेवलप होता है वहाँ पे एट पॉइंट फोर, इसलिए हमने एम लिखा है, और इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी. ओके, तो ये आएगा एट लेफ्ट साइड, मतलब पी टू से वो प्रेशर डेवलप होता है. तो इक्वेशन आएगा इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ पी वन प्लस density of liquid B, that's rho B into m plus r into g, minus density A, that's rho A into r into g. अब ये minus क्यों करना है, देखो liquid A की density और height r, ये इस पर pressure develop नहीं करता है, इसलिए हमें उसको क्या करना है, minus करना है. अब ये आएगा right side का equations. अब हमें क्या करना है, द बोथ इक्वेशन शुड बी इक्वल, थ्री एंड फोर, मतलब तीन और चार नंबर के इक्वेशन को हमको क्या करना है, इक्वल करना है. तो क्या करने का, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पी टू प्लस जी एम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, डेट्स रो, इज इक्वल टू पी वन प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इंटू एम प्लस आर इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, डेट्स रो ए इंटू आर इंटू जी. तो हमने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशंस को आमने सामने लाए. अब हमें क्या करना है, द सब्सट्रैक्ट दिस थिंग्स. सो पी वन माइनस पी टू, सो ऑलरेडी वी गेट द प्रेशर डिफरेंस. ओके, जी एम इंटू रो बी माइनस रो बी, दैट्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, इंटू एम प्लस आर इंटू जी प्लस रो ए, दैट्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इंटू आर इंटू इंटू जी. तो आर क्या है, हाइट है. ओके, नाउ डेल्टा पी. अभी हमें क्या करना है, जो भी रेड में हमने दिखा है रो बी और जी, उसको क्या करना है, उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. तो इसको और सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को. तो किस तरह से आएगा, सिंप्लीफाई द इक्वेशंस, जी एम रो बी माइनस जी एम रो बी माइनस आर रो बी इंटू जी प्लस आर रो रो ए इंटू जी. तो ऑब्वियसली लाइक टर्म से वो माइनस करेंगे हम. तो अगेन वी कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू आर रो बी जी माइनस आर रो ए इंटू जी. देन हमें अब क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर वो बाहर निकालना है, एंड अगेन वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन, दैट्स रो पी इंटू आर रो ए माइनस रो बी इंटू जी. तो ये आर क्या है, आर इज द वैल्यू दैट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड ए इन द टू लिम्स. तो ये आर वैल्यू हमको डिफरेंस बताता है. ओके, सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर, कंजम्पशन ऑफ गैस इन द केमिकल रिएक्शन. देखो जब भी हम केमिकल रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व करते हैं, अगर गैस कंजम हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर कम आएगा, फोर्स कम होगा, और वो इजीली मैनोमीटर में डिटेक्ट होगा. तो इसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैस कितना कंज्यूम हो चुका है. एंड दूसरा, टू मेज़र द फ्लो ऑफ फ्लूड, डेफिनेटली फ्लो ऑफ फ्लूड मेज़र करने के लिए हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैनोमीटर हम वेंचुरीमीटर और ऑरिफाइस मीटर के हेड पर फिट करते हैं, उसकी वजह से हमें प्रेशर डिफरेंस पता चलता है. सो इट इज़ अबाउट द मैनोमीटर. Now we discuss the differential manometer. See, these manometers are suitable for measurement of small pressure difference. मतलब जो भी small pressure में difference आता है वो calculate करने के लिए हम ये manometer use करते हैं. It is also known as two fluid U-tube manometers. इसे हम two fluid U-tube manometer भी कहते हैं. It contains three types of liquid: liquid A, liquid B and liquid C. जो liquid A और liquid B है उसकी डेंसिटी जो नियरली सेम है, लेकिन सी की डेंसिटी
ज़्यादा है देन द ए एंड बी. द यू ट्यूब कंटेंस इन लार्ज चेम्बर ऑन बोथ लिम्स. तो कोई सिंपल मैनोमीटर की तरह है लेकिन इसके जो चेम्बर्स है बोथ लिम्स वो क्या है इन लार्ज है, थोड़े बड़े हैं. सो बाई यूजिंग द प्रिंसिपल सिंपल मैनोमीटर द प्रेशर डिफरेंस कैन बी रिटन एज. जो हमने कैलकुलेशन किए थे सिंपल मैनोमीटर में और जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था उस इक्वेशन के इस आधार पे हम किस तरह से प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. डेल्टा पी डैश प्रेशर डिफरेंस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू आर रो सी माइनस रो ए इंटू जी. अब रो सी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सी से माइनस करेंगे डेंसिटी ए ऑफ लिक्विड ए. सो दिस इज अबाउट द मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेनॉल नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन. सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.